हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सभी फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का सारा काम हो गया है, आज संडे है तो हैप्पी संडे। और सारा मॉर्निंग का जो भी काम था मेरा सब कुछ हो गया है, पर अभी किचन में तो गई नहीं, एंट्री नहीं किया किचन का। तो चलिए, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और भगवान से पे करती हूँ सब लोग जो चाह भी हों अच्छा रहे, अच्छे से सबकी शरीर तबीयत मन सब अच्छा रहे। और बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। और अभी टाइम हो रहा है 9, दिखाते हैं 9:05 हो रहे होंगे, 9:05 हुए होने जा रहे हैं। तो मेरा पूजा वूजा तो हो गए सारे कुछ, और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं बज रहे हैं 10:15, तो अभी मैं बना लिया सब्जी, तो बनाऊंगी थोड़ा पूरी। और पहले ही बोल देती हूँ कि मेरा बहुत पुराना कमेंट था, जैसे एक हफ्ता हो गया था, और मुझे आप सबको पता होगा कि मैंने एक तबीयत मेरा ठीक नहीं था, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, और फिर मेरा फ़ोन भी ख़राब था, तो मुझसे ने इसलिए मैं बोल रही हूँ सॉरी। और सबका रिप्लाई मैंने जितना हो सके अभी बैठ के सबका रिप्लाई दिया, जो भी मेरा एक हफ्ता 4 दिन 5 दिन जो भी था मैंने सबका रिप्लाई दिया। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे मतलब देखना, मैंने दिए नहीं पाई तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि नहीं दे पाई मैं। तो चलिए अभी बनाती हूँ मैं पूड़ी। और ये मैंने बना लिया है आलू की सब्जी, प्याज वाला, जो मेरी बेटी को पसंद है। इसमें जीरा वीरा कुछ भी नहीं है, तड़का सिंपली सी। और इसमें मैंने आटा गूंद दिया है, तो इसमें मैंने चीनी डाला थोड़ा सा, थोड़ा सा तेल नमक डाल के मतलब आटा को गूंदा। तो अब मैं बना लूँगी पूड़ी। तो यहाँ पे मेरा पूरी बेल लिया है, और यहाँ पे मैंने सिमाई बना दिए, तो इसमें किशमिश नहीं डाला, थोड़ा सा बस ड्राई फ्रूट डाला है। तो अब कढ़ाई गर्म हो गया है, तो अब मैं पूरी तल लूँगी। बन गए मॉर्निंग का नाश्ता, तो पूरी सब्जी सिमाई, तो आज संडे की यही बनाई मैंने। और ये आटे का पूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग भी दिखेगा, वाइट नहीं दिखेगा। ये मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, और इसके ये है चिकन का मसाला। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दाल और चावल भिगाए, इससे मैं बनाऊंगी पकोड़े। तो जो मैंने वो पटुआ की साग बीन रही थी ना, जिसको बोलते पाट साग, तो उसी का पकोड़े बनाऊंगी मैं, दाल और चावल की पीस के, बेसन नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से मेरे सासू माँ बनाया करते थे, तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही मैं भी बनाती हूँ। बीच बीच में तो मैं बनाती ही रहती हूँ, ज़्यादातर मैं अब मेरी सासू माँ का ही रेसिपी ट्राई करती हूँ सब चीज़, मतलब बनाती हूँ ऐसे, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है मेरी उसकी दादी की हाथ की खाना, तो उनके हाथ का तो नहीं बना सकती, तो उनके जैसे ही बनाने का कोशिश करती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं।
आज ये वाला चावल बनाऊंगी, तो ये कच्चा है, मैं पक्का चावल बनाती तो ये कच्चा है, यही बनाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी को ये पसंद है ज़्यादा। और ये जो पटुआ का साग मैंने काट के रखा, उसके लिए मैंने फिर यहाँ पे ना दाल पीस लिया, तो थोड़ा थोड़ा दाल ना, मतलब ऐसे नहीं पीसा, दाल है ऐसे ऐसे, दाल भी है थोड़ा सब, मतलब थोड़ा साबुत है थोड़ा पीसा हुआ है, ऐसे इस तरह से पीसा। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी और ये साग मिला के रख दिया, और ये ले लिया मैंने चावल। तो ये चावल में इतना, मतलब इतना ही पानी डालूँगी, ये इतनी पानी डाला, तो अब मैं ऐसे बिठा दूँगी, ना इसका पानी निकालूंगी ना कुछ करूँगी, और ये एक एक चावल ऐसे ही बनेगा। और ये मैंने बना लिया है चिकन, तो आज इस तरह से बनाया है चिकन को, थोड़ा मसाला कम। और ये बन गए दाल, और ये बन गए चावल। चावल में बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। और ये बन गए, ये बना नहीं है, बनाऊंगे खाने के टाइम पे। और मैंने किचन भी क्लीन, और मैंने सबका लंच निकाल दिया है अभी। और देखिए जो मैंने चावल बनाई थी, बिल्कुल एक एक चावल है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कच्चे भी। तो हाँ, खीरा काट लिया है, खीरा काट लिया, तो अब ले जाऊँगी, सबको दूँगी अभी। और मैंने पकोड़े तलना स्टार्ट कर दिया, तो पहले मैंने निकाल लिया था, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फ़ोन लेके आती हूँ, तो फिर मैंने पकोड़े को खाने के टाइम पे ही बनाया, क्योंकि गरम गरम ना हो तो अच्छा नहीं लगता, कोई सा भी पकोड़े हो चाहे किसी चीज़ की भी हो, तो मैंने गरम गरम निकालने के लिए अभी बनाया।
और आज मैं अकेले बैठ के खाना खा रही हूँ और वो लोग उधर खा रहे हैं। मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, और दिन तो कोई ना कोई होता ही है, तो नहीं हो पाता है जैसे, तो मैंने कहा चलो आज मैं अकेले ही सही, कोई बात नहीं, पर वीडियो बनाता पर मन तो मेरा उधर इधर भटक रहे हैं, क्योंकि कभी उधर उनको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, सब सामने रख दिया फिर भी ऐसे होता है ना। तो मैंने कहा चलो, अब बच्चे मेरा कभी एक पकौड़ा, मम्मी तुम ले लो, मैंने कहा ठीक है, वो पकौड़े खा के मेरा पेट भर गए थे, और मुझे तो गरम पकौड़े और चावल हो तो, और कोई सब्जी नहीं भी हो तो भी चलता है, मैं तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी या तो घी डाल दो और मिर्च ले लो तो उससे ही खा सकती हूँ, मुझे तो सब्जी की ज़रूरत भी नहीं होती, मुझे तो यही पसंद होता है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और मैंने वो खा के है, मैंने चावल पूरा खा भी नहीं पाई क्योंकि मुझे ऐसे ही पेट भर गया, तो पंखा नहीं चलाई थी ना मैंने, तो भूल गई थी, उधर पंखा चल रहा, फिर मैंने पंखा भी चालू कर दिया, तो मैंने कहा कि और मुझे टमाटर बहुत पसंद है, तो मैं टमाटर ज़्यादा खाती हूँ खाने के साथ, अगर लेती हूँ तो टमाटर और प्याज, और खीरा हो नहीं हो कोई बात नहीं, टमाटर हो तो, क्योंकि ये सलाद में मुझे टमाटर बहुत पसंद है, तो मैं टमाटर एक एक नमक, थोड़ा सा नमक डाल के और मैं खा ले रही हूँ। जब मुझे कभी मन करता है ना, तो मैं टमाटर मिर्च और नमक डाल के ना थोड़ा सा एक टमाटर ऐसे भी खा लेती हूँ, और मैं पकौड़े से ही ज़्यादा खा लिया, और उसके बाद ना मैं खाना खा ही नहीं पाई, चिकन भी और चावल भी मैंने दे दिए, मैंने कहा मैं नहीं खा पा रही हूँ, नहीं खा पाओगे तो मैं ढक देती हूँ, पर मैं तो नहीं खाऊँगी। तो चलिए खाना खा लेते हैं। खाना वाना खा के ना फिर बर्तन धो के सो गई थी, मुझे इतना नींद आ रही थी तो मैं सो गई, सो के उठ के तो मैंने कहा चलो थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से तो कोई बात नहीं किया, और अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो मैं बहुत देर पहले ही उठ गई थी, तो अब छत पे से कपड़े वपड़े लाऊँगी, सब कपड़े वपड़े ला के फिर तैयार करना है सब, तो मैंने अभी तो छत पे बहुत धूप है इसलिए मैं जा नहीं रही छत पे, इतने बजे 7 बजे तक जाओ तो ठीक, तो फिर मैंने मेरा संडे तो अच्छा ही गया, संडे मेरा सही गए, और आप सबका संडे कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताना, और उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ कमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ, आप लोग सब अच्छा रहना, हंसते रहना, खुश रहना, तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड कर देते हैं।